हाय शार्क्स, साउथ में एक कहावत है, सूडा स्ट्रांगा और फिल्टर कॉफियों न्यूज़पेपरों इल्लाम और नाले तोड़ंगी नमारी इरकादिन सुलवांगे। ओहो, कुछ ऐसा ही सिचुएशन था मेरे घर में भी। पिक्चर दिस, सुबह 5 बजे रेडियो पे सॉफ्ट कर्नाटिक म्यूजिक चल रहा है। नाइस पार्टी। माय दादी किचन में है और घर का ऑथेंटिक फ्लेवरफुल स्ट्रांग एरोमैटिक फिल्टर कॉफी बना रही है। यही अरोमा से हम सब उठते थे और दिन को शुरुआत करते थे। दादा हैड अ वियर्ड हैबिट। माय दादा एक बड़े फ्लास्क में पूरा फिल्टर कॉफी भर के ब्रेकफास्ट तक एंजॉय करता था और यही प्रैक्टिस वापस शाम को भी शुरू होता है 4 बजे। बट दिस टाइम विद पार्टीज वंडरफुली फ्लेवरफुल होममेड स्नैक्स। मैं हूं जीडी प्रसाद। मैं हूं याश सालोर। और मैं हूं राहुल बजाज। एंड वी आर वीएस मानियन को फ्रॉम नामाउरु बेंगलुरु। कॉफी और नमकीन के तो बहुत सारे ब्रांड्स हैं मार्केट में, लेकिन साउथ इंडियन फिल्टर कॉफी और स्नैक्स के लिए हमें लोकल रेस्टोरेंट या ब्रांड्स के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन वीएस मनी एंड को इज हियर टू चेंज दैट। हमारे प्रोडक्ट में रेंज में आपको मिलेगा साउथ इंडियन फिल्टर कॉफी और पार्टी की ट्रेडिशनल रेसिपी से बनाए हुए स्नैक्स जैसे मुरकू, बनाना चिप्स, पीनट चिक्की और पुड़ी। हमारे प्रोडक्ट्स हमारे वेबसाइट Amazon, क्विक कॉमर्स एंड सुपरमार्केट्स में अवेलेबल है। हमारा विजन यही है कि वीएस मनी एंड को एक इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड ऑथेंटिक साउथ इंडियन कॉफी और स्नैक्स ब्रांड बनाना। शार्क्स, हमारा आस्क है 60 लाख इन एक्सचेंज फॉर 1.5% ऑफ आवर कंपनी। सो शार्क्स, कॉफी साबरलामा, कैन वी सैंपल सम वीएस मनी डेलिकेसीज प्लीज? या श्योर श्योर श्योर। यस प्लीज। While Rahul and Yashas are preparing the samples, मैं एक्सप्लेन करूंगा हमारा हीरो प्रोडक्ट के बारे में। मैंने बोला ना पार्टी किचन में she was making aromatic filter coffee. वही फिल्टर कॉफी decoction हम लेके आए हैं इस बॉटल में। In the south we love our chicory and वो chicory के blend के साथ मिलता है the authentic South Indian filter coffee flavor. Coffee नहीं? Coffee आ रहा है। आप कॉफी नहीं चखाने वाले? आ रहा है। Because coffee filter coffee is my favorite और मैं चख के बता सकती हूँ। We are actually sampling the snacks and Rahul's making the coffee. Oh, he's making. Yes, some. Yes. Nice. अच्छा decoction क्या होता है ये भी बता दीजिए। Filter coffee beans को grind करके एक container में डालना पड़ेगा। वो container में hot water डाल के उसको percolate down करना पड़ेगा the filter coffee decoction. ये है filter coffee का extract, दूध और चीनी डाल के हम enjoy करते हैं। This is really good. Thank you so much. Very nice. Excellent. It's outstanding. Thank you so much. Snacks के बारे में बात कर रहे हैं, chips बहुत ही पतले और बढ़िया लगे मेरे को, special लग रहे हैं। Thank you so much. Fantastic. ये जो आपने पहना है ये लुंगी होती है ना? नहीं, इसको तमिल में वेस्टी बोलते हैं। लुंगी वाला तो is the checked one. तो आप ऑफिस ऐसे ही जाते हैं? नहीं, ऑफिस शॉर्ट्स में जाते हैं। ऑफिस शॉर्ट्स में जाते हैं। देखिए बात आगे बढ़े उससे पहले मैं कुछ कहना चाहता हूँ। आई एम एन इन्वेस्टर इन दिस कंपनी, लेकिन मैं इनसे कभी मिला नहीं, तो आपसे बात हुई है। ठीक है, मतलब अनुपम आप इन्वेस्ट करके मिलते नहीं हो कंपनी से, इसका मतलब ये हुआ मिलने से पहले इन्वेस्ट कर देना। कितने इन्वेस्टमेंट पे आए थे आप? वैल्यूएशन क्या था? तो आई डोंट वांट टू इन्फ्लुएंस, कर दिया है। लेकिन कर दिया आपने। दुर्भाग्य इनका होगा, दुर्भाग्य ऑडियंस का भी होगा, क्योंकि अभी नंबर वन शार्क को यहाँ से निकलना पड़ेगा। थैंक यू अनुपम, थैंक यू। ऑलराइट गाइस, विल मिस यू ब्रो। आज अपने को बोलने में काफी मौका मिलने वाला Alright. आओ सर आओ, welcome. कौन आएगा? Welcome. To watch from outside, this is a treat I've been looking forward. आओ सर. पहले शुरुआत करते हैं, आप कैसे मिले, आपको क्यों ये आइडिया आया? हम तीनों मिले काम पे at Densu Web Chutney, India's leading creative agency. Very nice. Day in and day out इतना सारा ब्रांड्स पे हम काम कर रहे हैं at Web Chutney. That thought did come, क्यों हम for our own self कुछ ब्रांड में काम नहीं कर सकते? And we gravitated towards what we knew best. अगर हम साउथ में है तो any shop will have some condiments, snacks, नहीं तो coffee. But even in Bombay, हम actually 3 दिन इधर है
हमको एक दिन भी नहीं मिला कुछ अच्छा सा ट्रू फिल्टर कॉफी, दिल्ली में भी नहीं मिलता है। yes, तो हमने सोचा लेट्स टेक दिस एंड पास इट ऑन टू द वर्ल्ड, क्योंकि हमारा डायस्पोरा अब वेल डिस्ट्रीब्यूटेड, दे मिस दिस ट्रेडिशन एंड फ्लेवर। तो इसलिए 2020 में वीएस मनी एंड को शुरू किया। आप तो तमिलियन हैं, लेकिन ये दोनों अलग पार्ट्स ऑफ इंडिया से, तो आपके लिए कैसी यू नो ये लव जागा फॉर द एथनिक फूड? हम दोनों बॉर्न एंड ब्रॉट अप बैंगलोर में ही हैं, सो आई एम मोर ऑफ अ साउथ इंडियन ओवर देयर। ओके, आप तीनों ने क्या पढ़ाई की है? मैंने मास्टर्स इन मार्केटिंग फ्रॉम लंदन की है। अच्छा, मैं मास्टर्स इन एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग फ्रॉम कोवेंट्री यूनिवर्सिटी। मैंने इकोनॉमिक्स और फाइनेंस पढ़ा है ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी। आपकी इक्विटी स्प्लिट क्या है तीनों में? आई हैव 45, ये दोनों के पास 14-14। बाकी का है 21% है एंजल राउंड अनुपम के पास। नॉट इतनी ज़्यादा लेगा, सुन रहे हो अनुपम भाई? एंड डेजिग्नेशंस? आई ऑपरेट एज द सीईओ एंड यशस ऑपरेट्स एज द हेड ऑफ ग्रोथ। ओके, एंड राहुल देखता है ऑपरेशंस के बारे में पूरा। अभी आपके कौन कौन सी कैटेगरीज है? कॉफी एंड स्नैक्स, वही है हमारा फोकस। तो अभी इन दोनों में कैसे डिवाइडेड है बिजनेस? कॉफी से अप्रोक्सीमेटली 55-60% रेवेन्यू उधर से आता है, 40% स्नैक्स से आता है, एंड स्नैक्स हमने मई में लॉन्च किया है। टिल द टाइम वी एक्चुअली टुक द फंड्स, वी नेवर हैड द डिकॉक्शन, सिर्फ इंस्टेंट कॉफी पाउडर था, एंड दैट वाज द हीरो प्रोडक्ट। बट August 15th व्हेन वी लॉन्च दैट, वी नाउ सेल 10,000 यूनिट्स ऑफ दैट, आई थिंक वी सेल इवन मोर, सो वी सेल अबाउट 19,000 यूनिट्स लास्ट मंथ सिंपली फ्रॉम दैट वन प्रोडक्ट। आपकी सेल्स कितनी रही है फ्रॉम द डे यू स्टार्टेड? सो June 29, 2020 में हमने स्टार्ट किया है। ऑल ऑफ दैट फाइनेंशियल ईयर सिर्फ 15 लाख का था हमारा पूरा टर्नओवर। अच्छा, 21 टू 22 वी डिड 1.2 CR, 22 टिल नाउ वी हैव क्रॉस्ड ऑलमोस्ट 2 CR। इस साल हमारा टारगेट है 7.5 CR, दैट्स व्हाट वी आर वर्किंग टुवर्ड्स। अभी हमारा रेवेन्यू है 63 लाख फ्रॉम लास्ट मंथ सितंबर। ठीक है, आपके कस्टमर्स कौन है, आपका डिफरेंशिएशन कौन है, आप किस मार्केट सेगमेंट को टारगेट कर रहे हैं प्राइस वाइज, कस्टमर प्रोफाइल वाइज? हमारा कस्टमर्स आता है फ्रॉम बॉम्बे, पूना, बैंगलोर, हैदराबाद, दिल्ली NCR, इन दिस ऑर्डर। बॉम्बे इज नंबर वन? बॉम्बे इज नंबर वन। अच्छा, तो अपना साउथ साइड पे पेनिट्रेशन हायर क्यों नहीं है, अगर अपना टेस्ट बहुत ऑथेंटिक है, बढ़िया? साउथ साइड में तो इतना ऑप्शंस है ना सर, घर जाके यू विल फाइंड दो तीन ऑप्शंस। पर जीडी अदर देन बॉम्बे, रेस्ट ऑफ इंडिया स्पेशली नॉर्थ में ये टेस्ट का अडॉप्शन अच्छा हुआ है? अच्छा है, दिल्ली NCR फॉर एग्जांपल। दिल्ली में कितना परसेंटेज है? 16%। ठीक है, आपके पास कोई सैंपल्स हैं ब्रांडिंग के जो हम कर सकते हैं? मैं दिखाता हूं, डिकॉक्शन इज कंसर्न, क्योंकि हमारा फोकस अभी ऑनलाइन से ऑफलाइन चल रहा है। कोई करेगा कि नहीं ऑफर? हाँ सर, हो जाएगा। अभी मैंने इन्वेस्ट किया तो ऑफर तो होने ही वाला है, वो तो होएगा। तो आप पैसे कितना बना रहे हो? बिफोर द फंड रेज थोड़ा प्रॉफिट था, समथिंग इन द रीजन ऑफ अ कपल ऑफ लैक्स। हम अभी ऑन अ मंथली बेसिस रफली 20-25 लैक्स बर्न कर रहे हैं। वाओ, एट 60 लैक्स 25 लैक्स बर्न? या ओह, दैट्स अ लॉट। कि आपने वैल्यू किया आपके कंपनी को 40 crores। yeah. तो अगर आप आपकी FY22 सेल्स देखेंगे वो है 1.2 crores, तो 25 लाख करंट कैश बर्न, 1.2 करोड़ प्रायर ईयर सेल्स पे आपको 40 करोड़ आप कैसे मांग रहे हैं? आपका प्रीवियस फंड रेज क्या था, कब था और क्या वैल्यूएशन पे था? प्रीवियस फंड रेज का कॉन्वर्जेशन हमने लास्ट ईयर सेप्टेम्बर नवंबर में शुरू किया, उस टाइम पे हमने वैल्यूएशन फिक्स किया प्री मनी ऑफ 15 CR, द 21% दैट वी गिव अप, पूरा इन्वेस्टर्स वही वैल्यूएशन पे आए। ये पूरा राउंड एक्चुअली मार्च में ही खत्म हुआ है, सो वी टुक अबाउट 3.96 CR इन टोटल, एंड पूरा पैसा हमको जून में मिला है। एक बार बताएंगे खर्चे क्या क्या, एक बार फटाफट? 25 लाख इन प्रोडक्ट कॉस्ट, देन अनदर 33 लाख इन मार्केटिंग, 58 लाख हो गया। Then we have 5 lakhs in salaries, 7.5 lakhs in shipping, and the rest is just admin expenses. There is something not right. When we were advertising before this,
हमारा रफली हमारा बजट था द रेशियो ऑफ 1:3. 1:3 मतलब 10 रुपीज ऑफ एडवर्टाइजिंग गेव अस 30 रुपीज ऑफ रेवेन्यू ऑन शॉपिफाई. जब भी हमने देखा अप्रैल मई में दैट दिस रेशियो इज ड्रॉपिंग, वी स्टार्टेड द कन्वर्सेशंस फॉर ऑफलाइन रिटेल एज वेल. नहीं, ऑनलाइन खत्म, अब ऑनलाइन पे फोकस नहीं कर रहे. नहीं 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 नहीं, ऑनलाइन पे अभी भी 85% ऑफ आर रेवेन्यू कम्स फ्रॉम ऑनलाइन, बट वी नीडेड टू एक्ट अर्ली. तो अगर मैं अमेज़न पे गया या फ्लिपकार्ट या बिग बास्केट कहीं भी गया और मैंने वहां डाला फिल्टर कॉफी, आप लोग क्यों नहीं देखे? एक्चुअली एसेंशियली जस्ट स्टार्टेड ओनली इन जून. आपको कैसा लग रहा है कि आप अच्छा कर रहे हो, खराब कर रहे हो, मार्केटिंग कैसा चल रहा है आपका? अभी किसी को भी हम जाके बोलेंगे तो हैव यू हर्ड अबाउट अस, कभी ना कभी तो दे हैव सीन द एड. मैंने तो नहीं देखा अभी. मैंने भी नहीं देखा. मुझे तो चैलेंज यही लग रहा है कि आप बिजनेस बनाना चाहते हो, राइट? आपका जो रूट्स है ना वो एक मार्केटिंग से शुरू हुआ है. करेक्ट. और आप अभी भी मार्केटिंग में ही घुसे हुए हो, बट इवेंचुअली तो आप प्रोडक्ट बेच रहे हो. करेक्ट. कंपनी में हीरो मार्केटिंग नहीं हो सकता, इट हैज टू बी प्रोडक्ट. अभी आज मैं इससे बाहर हूँ बिकॉज आई थिंक अभी आप ओवर थिंक कर रहे हैं एंड यू नीड टू गेट बैक ऑन ट्रैक. कितने का आपका ESP ऑर्डर वैल्यू क्या? एवरेज ऑर्डर वैल्यू इज 550 रुपीस. 10,000 के अराउंड कस्टमर ऑर्डर करते हैं आपसे आपके नंबर्स के बेसिस पे, समझ में आया मेरे को. यस यस. इसमें से रिपीट कितने? कॉफी में 30% रिपीट है. 3,000 रिपीट है आपके, 7,000 कस्टमर आप लाते हो मार्केटिंग करके. या रिपीट ऑर्डर्स में दिखता है वो नॉर्मली, वो आ नहीं रहे तो ऑब्वियसली कोई तो इशू है प्रोडक्ट में. मैं फाउंडर्स में इन्वेस्ट करता हूँ नॉर्मली, और कॉज आपका बहुत अच्छा था क्योंकि मैं क्या इंडिया में अगर कोई छुपा हुआ खजाना हो बाहर जा रहा हो तो मैं उस पर डेफिनेटली इन्वेस्ट करता हूँ. पर इस केस में क्या है, मेरे को वो छुपा हुआ खजाना जो प्रोडक्ट के अंदर होता है वो नहीं मिल रहा. मुझे लगता है एक चीज़ अपने को शायद यू नो हिट बैक करिए रादर पैसा, क्योंकि जल्दी मिल गया 3.9 करोड़ आपने रेज कर लिया अभी तक. तो मुझे ये लगा कहीं ना कहीं इस पैसे ने अपने को ना इनोवेशन नहीं करने दी. आज मैं बाहर होने जाऊंगा इस इन वजहों से, पर आप लोगों से मिलकर बहुत मजा आया. अभी मुझे लगता है कि मुझे टैंक से निकल के नहीं आना चाहिए, वहीं पे चुपचाप बैठ के मैं एक दो चीज तो शायद बोल देता कि भाई अगले साल के इतनी बता दे सेल्स. नॉट टू इन्फ्लुएंस देम बट एटलीस्ट भाई तुम भूल गए हो, नर्वसनेस में ये हो गया, बताओ. जस्ट टू सीड द कन्वर्सेशन. आपको खुद लगता है कि कहीं बिजनेस मॉडल इज नॉट गेटिंग राइट? आपको इतने अच्छे इन्वेस्टर्स मिले हुए, अनुपम इज अ गुड इन्वेस्टर, हम लोग सब उनसे सीखते हैं, तो आप उनसे मिले क्यों नहीं सीखने के लिए बिजनेस के बारे में और ये सब? We keep talking on a regular basis. Anupam ka yehi opinion hai that we are burning a lot. The decision to say marketplaces and marketplaces mein abhi main include kar raha hoon ye quick commerce, quick grocery segment ko, kyunki udhar hamara visibility badh jayega, more people will discover us, aur abhi everybody wants everything instant. तो इसलिए हमारा फोकस प्राइमरली उधर होगा, और इन अ मार्केट लाइक बैंगलोर एंड बॉम्बे रिटेल. मैं अभी आउट हूँ बॉस, जैसे स्नैक्स के बारे में हमने बहुत कम बोला है, और आपने पूरी पिच में इट वॉज मोर अबाउट द कॉफी, दैट इज अ गुड थिंग, बट अभी कॉफी को किसी एक दो चैनल में पकड़ के फोड़ डालो, दैट इज माई सजेशन टू यू गाइस. आई विल गिव यू एन ऑफर. So for my love of filter coffee. Thank you. I actually love filter coffee. मुझे आपकी story भी वो बहुत पसंद है, especially के आप South Indian नहीं है but you have a love for South Indian food. मैं खुद का बता सकती हूँ, मैं गुजराती हूँ लेकिन क्योंकि मैं महाराष्ट्र में पली बड़ी हूँ, I consider myself more Maharashtrian. So I can relate to that. But anyway, I think कि आपका cash burn बहुत high है. Yeah, we agree. तो मैं आपको valuation दूंगी आपके previous fundraise पे. वो भी मुझे हाई लगता है 15 क्रोर्स फॉर अ 1.2 क्रोर सेल्स, लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, बट हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए प्रायर राउंड की. सो आई विल गिव यू 15 लाख फॉर 1% इक्विटी एंड 45 लाख डेट एट 10% इंटरेस्ट रेट. कैन वी हैव अ मिनट प्लीज? यस. आपको पता है ना अनुपम इन्वेस्टर है. व्हाई डोंट वी जस्ट टेक द डेट एट 5? आपको क्या लगता है सर, करना चाहिए नहीं करना चाहिए? नहीं करेंगे, नहीं करेंगे क्योंकि वो लोअर हो गया ना वैल्यूएशन, तो इनके ऊपर एंटी डाइल्यूशन लग जाएगा, तो सारे शेयर होल्डर को और शेयर देने पड़ेंगे जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स. थैंक यू नमिता फॉर योर ऑफर. आई एग्री, बिजनेस तो इट इज बर्निंग मनी, बट आई थिंक वी नीड टू कंसिडर अ वैल्यूएशन दैट जस्ट एक्नॉलेजेस द जर्नी दैट वी हैव बीन ऑन. So
even if you are able to come in at the post-money valuation, which is 19 lakhs at 1%, I think it's a fair. It's fair ask. With the rest as debt, that will be great. Chalo karte. Let's do it. Let's do it for the love of South India and for the love of filter copy. Thank you so much. Very nice. But now let's get the sales. Yeah. Yes. We hope we'll also do you guys proud. Yeah, you will. And let's make some profit. Yeah, for sure. Profit is most important. Yeah. Chaliye, kya baat hai? Super Shark is also back. Hey, bhago. Arey, tu kahan se aa gaya? Super Shark is back. आप चाहिए मत, मुझे एक मिनट आपको एक फीडबैक देना था. नमिता ने शुरू में एक बात कही जिसने आपकी पूरी पिच को डिस्ट्रॉय कर दिया एक तरीके से. एंड इन हर फेवर इन्होंने शुरू में कहा कि 1.25 करोड़ का सेल है, उस पर आप मल्टीपल मांग रहे हो, कैसे हो सकता है इतना वैल्यूएशन. वहां से आप वापस नहीं आ पाए. अगर आप रिस्पॉन्ड करते कि वो इररेलेवेंट है नमिता, क्योंकि अगले साल हमारा सेल होने वाला है 25 करोड़, राइट, वो नैरेटिव पूरा टैंक में बदल जाता. You got it wrong. आपको पिच देना चाहिए था, हम बनाएंगे दुनिया की सबसे बड़ी फिल्टर कॉफी कंपनी. विजन नहीं बता पाए. आप विजन नहीं बता पाए. आपको शुरू में ही आके कन्फेस कर देना चाहिए था कि हम जानते हैं हमारा बर्न आज ज्यादा है, हमारा स्ट्रेंथ नहीं है इंस्टाग्राम में, हमने ब्रांडिंग में पैसा खर्च किया है, पर ये हमेशा ऐसे नहीं रहने वाला, हमारे बिजनेस का मार्जिन है अच्छा. तो आप देखते हैं आपको मिलता 30 करोड़ और 4 डी. यू हैव टू सेल द फ्यूचर. कांग्रेचुलेशंस. You got a great deal. You got a great shark. Don't listen to them. Thanks. मेरी तो सुननी पड़ेगी. तेरी तो चॉइस नहीं है. और इनकी भी, नविता की भी.